प्लाईवुड एक ऐसी चीज है जिसके बिना ना तो आपके घर का फर्नीचर बन सकता और ना ही आपके ऑफिस के खिड़की दरवाजे बनाए जा सकते हैं। मगर क्या आप जानते हैं रोजाना लाखों पेड़ों को काट के प्लाईवुड को कैसे तैयार करा जाता है? नहीं तो चलिए फिर मेरे साथ बिना किसी देरी के वे शुरू करते हैं। आपको ध्यान है लकड़ी के लट्ठे से प्लाईवुड को कैसे तैयार करा जाता है और साथ ही जानेंगे क्या ये हमारे वातावरण के लिए हानिकारक होती भी है या नहीं। तो प्लाईवुड बनाने के लिए सबसे पहले आसपास के किसानों से ट्रक और ट्रैक्टर भर के पेड़ों को मंगाया जाता है जो कि खास तौर पे उगाए जाते हैं इसी कार्य के लिए। मैं आप सबको बता दूं ज्यादातर इन लकड़ी के जो लट्ठे होते हैं वो 4 और 8 फीट के रहते हैं। एक एक करके सारे के सारे लकड़ी के लट्ठों को ट्रक से निकाल के बाहर फेंक दिया जाएगा और फिर ये जो दो भैया जो आप देख रहे हैं ना इनका काम होता है इन लट्ठों को मशीन के अंदर डालने का। तो सबसे पहले इन लट्ठों की छिलाई करी जाती है, मतलब जो इसकी बाहर की परत होती है उसे निकाल के अलग कर दिया जाता है और इन लट्ठों को आगे भेज दिया जाता है। ये जो लकड़ी के छिलके ना इनसे बनाई जाती है बिजली ताकि ये सारी मशीनें इसी बिजली से चलाई जा सके। अब ये जो लकड़ी के डट्ठल बन के तैयार हुए थे ना इनको भेजा जाएगा आगे की ओर और भेज दिया जाएगा दूसरी मशीन के अंदर। तो सबसे पहले एक एक करके इन्हें डाला जाता है दूसरी मशीन के अंदर। इस मशीन का काम होता है इसको बिल्कुल पतली पतली चादरों में बना के तैयार करने का। तो एक ओर से इसे बिल्कुल अच्छे से दबाया जाता है और दूसरी ओर से इसकी बिल्कुल पतली पतली सुंदर सुंदर चादरें बन के तैयार हो जाती है। अब ये जो चादर मशीन से निकलती जा रही है इन्हें यहाँ पे भैया जी जो बैठे हुए एक एक करके सारी की सारी चादरों को पलटते रहेंगे ताकि इनकी जांच करी जा सके कि ये सही से बनी है भी या नहीं। और उसके बाद ये जो दीदी भैया बैठे हुए इनका काम होता है इन्हें इकट्ठा करने का। फिर इसका बड़ा सा डंठल बना के रख दिया जाता। फिर बारी आती है ओवरहेड क्रेन वाली मशीन की। इसकी मदद से इन्हें एक जगह से दूसरी ओर लाया जाता है और यहाँ पे इनकी सुखाई का कार्यक्रम शुरू करा जाता है। आप अभी देख सकते हैं कितनी सारी लकड़ी के चादरों के यहाँ पे डंठल लगे हुए हैं। अब एक एक करके इनकी जांच करी जाएगी कि इन्हें कितनी ज्यादा गीली है और उसके बाद इन्हें सुखाने का कार्यक्रम शुरू करा जाएगा, जिसके लिए सबसे पहले एक एक पतली पतली चादरों को एक और से मशीन के अंदर डाल दिया जाता है। बड़ी सी ड्रायर वाली जो आप मशीन देख रहे हैं ना इसका काम होता है इसे सुखाने का। तो इसमें सबसे पहले इनको गर्म करा जाता है 140 डिग्री तक और उसके बाद 40 डिग्री तक इन्हें ठंडा करके दूसरी ओर से निकाल लिया जाता है। इस कार्य में करीबन 1 घंटा लग जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी की सारी जो लकड़ी की चादर थी वो अच्छे से सूख चुकी है। उसके बाद बारी आती है इन्हें ग्लू लगाने की, जिसके लिए इन पतली पतली लकड़ी की चादरों को डाला जाता है रोलर वाली मशीन के अंदर। इस मशीन का काम होता है इसे दोनों तरफ से अच्छे से ग्लू लगा के तैयार करने का और जैसे इन पे दोनों तरफ से ग्लू लग के तैयार जाती है इसे भेजा जाता है दूसरी मशीन की ओर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी की सारी जो लकड़ी की चद्दर है उन पे ग्लू लग के तैयार हो चुके हैं। अब इन्हें आपस में जोड़ने के लिए सबसे पहले बढ़िया क्वालिटी की बिल्कुल पतली सी चद्दर ली जाती है। अब उस पे एक एक करके इन पतली पतली चद्दरों को चिपकाया जाएगा, जिसके लिए स्टेपलर की सहायता ली जाती है। अब जितनी मोटी प्लाईवुड बनानी होती है उतनी ज्यादा परतों को आपस में चिपका के प्लाईवुड को तैयार करा जाता है। प्लाईवुड को जोड़ने में करीबन 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। तो एक एक करके सारे की सारी परतों को आपस में जोड़ने के बाद दोबारा से ये 2 mm का जो बेस था उसको वापस से इसके ऊपर लगा दिया जाता है और उसके बाद बारी आती है इनकी कटाई की। तो यहाँ पे कटाई के लिए मशीन लगी हुई है जो कि 8-8 फीट लंबे प्लाईवुड की शीटों को काट के तैयार कर देती है। उसके बाद इन्हें भेजा जाता है आगे की ओर, जहाँ पे सबसे पहले ब्रांडिंग का पेपर चिपकाया जाता है और उसके बाद इसे हाइड्रोलिक मशीन द्वारा अच्छे से प्रेस करके प्लाईवुड तैयार करी जाती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे की ओर से बिल्कुल जो आप लाल रंग का पेपर देख रहे हैं ना यही होता है ब्रांडिंग का पेपर, जो कि एक ओर से लगाया जाता है। उसके बाद ये प्लाईवुड की शीटें बिछाई जाती हैं और फिर दोबारा से ये ब्रांडिंग का पेपर लगा के इसके ऊपर ये स्टील की शीट रख के इसे बिल्कुल अच्छे से बंद कर दिया जाता है। अब बारी आती है इन शीटों को हाइड्रोलिक मशीन में डालने की, जिसका काम होता है इन्हें आपस में बिल्कुल बेहतरीन तरीके से जोड़ने का। तो आप ये जो मेरे सामने दो भैया देख रहे हैं ना ये एक एक करके इसे हाइड्रोलिक मशीन में डालते जाएंगे। इस हाइड्रोलिक मशीन में 140 डिग्री तक गर्म करा जाता है और फिर 40 डिग्री तक ठंडा करा जाता है। करीबन 8 घंटे तक इसी मशीन में इन शीटों को ऐसे डाल के छोड़ दिया जाता है और फिर इन्हें जैसे ही बन के तैयार जाती हैं दोबारा से निकाल लिया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से चिपक चुकी हैं, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हमारी जो प्लाईवुड है वो बन के हो चुकी है तैयार। अब बारी आती है इसकी पॉलिशिंग की और कटिंग की। अब इसके किनारों को काट के इसकी फाइनल कटिंग करी जाएगी और कटिंग करने के बाद बारी आती है शटरिंग ऑयल लगा के इसकी पॉलिश करने की। तो शटरिंग ऑयल लगा के इसको अच्छे से पॉलिश कर दिया जाता है और उसके बाद बारी आती है पेंट करने की। तो चारों किनारों को भी बिल्कुल सुंदर तरीके से पेंट करके हमारी प्लाईवुड हो जाती है तैयार। अब चलते हैं यहाँ के ओनर से करते हैं थोड़ी बातचीत, चलिए मेरे साथ। नमस्कार सर, कैसे? अच्छा सर, अपनी कंपनी के बारे में अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मैं अमन ओबेरॉय हूँ, हमारी कंपनी ओबेरॉय इंडस्ट्री। ऐसा ही माना जाता है कि पेड़ों को काट के प्लाईवुड बनाई जाती है, फर्नीचर बनाया जाता है और एनवायरमेंट को इससे नुकसान होता है, तो इस बारे में कुछ बोलना चाहेंगे आप? ये एक बहुत बड़ा मिथ है। जो प्लाईवुड के लिए जो पेड़ लगते हैं वो स्पेशली ये प्लांटेशन टिम्बर होती है। ये फार्मर जो है ये स्पेशली अपने नॉर्मल क्रॉप के साथ
लगाता है, इसलिए ये एक इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बन जाता है क्योंकि इसकी वजह से हमारा और ज्यादा पेड़ लगाए जा रहे हैं। 10 साल तक वो ऑक्सीजन जनरेट करते हैं और फिर ये फाइनली हमारे पास आते हैं, और जब हमारे पास भी आते हैं हम यूज करते हैं, हम पेड़ का एक एक पार्ट इसको यूज करते हैं, इसमें जीरो वेस्ट प्रोडक्ट होता है। दिस इज मच मोर इको फ्रेंडली देन एज कंपेरिजन टू स्टील और एनी अदर प्रोसेस दैट इज यूज फॉर बिल्डिंग। तो सर अगर किसी को आपकी कंपनी से जुड़ना हो और आगे संपर्क करना हो तो कोई कॉन्टेक्ट डिटेल शेयर करना चाहेंगे? हाँ जी, वो है 701517102, उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मेरे को जरूर बताएगा, पसंद आए तो अपने दोस्तों शेयर करना मत भूलेगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।